एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच इस सप्ताह 31वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें विधायक गणेश नाइक एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक ने नवी मुंबई के अस्पतालों की वास्तविकता का खुलासा पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के सामने किया, जिसमें सबसे प्रमुख चर्चा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। पूर्व विधायक संदीप नाइक ने आयुक्त के सामने ये बात रखी कि डीवाई पाटिल अस्पताल में पालिका द्वारा कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं, मगर कुछ मरीजों को अस्पताल प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन बाहर से लाने के लिए कहा जा रहा है। इस पर विधायक गणेश नाइक ने भी पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर मरीज पालिका के देखरेख के अंदर इलाज करवा रहे हैं तो फिर दवाइयां बाहर से लाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। इस पर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि डीवाई पाटिल अस्पताल में पालिका द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति की जाती है और वे निश्चित तौर पर पूरे मामले की जांच करेंगे। इस पर पालिका आयुक्त को सुझाव देते हुए ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने कहा कि सरकारी एवं निजी अस्पताल में दवाइयों के समन्वय के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो दवाइयों के आउटसोर्सिंग के लिए जिलाधिकारी एवं सरकार से समन्वय रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।